के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन कर पीएम मोदी के जीत का मांगा आशीर्वाद। स्पीक मैगजीन के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ की साइकिल यात्रा वाराणसी पहुंची, हुआ भव्य स्वागत। बीएचयू में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती के महिला वर्ग में सर्वाधिक 159 अंक हासिल कर उत्तर प्रदेश की टीम बनी चैंपियन। और स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया दिवस पर आयोजित किए जन जागरूकता कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। अपने वाराणसी दौरे के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का वाराणसी दौरा गुरुवार को समाप्त हो गया। एयरपोर्ट निकलने से पहले अमित शाह ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन किया। वे करीब 10:20 पर विशेषज्ञ स्थित काल भैरव मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में काल भैरव से पीएम मोदी के जीत का आशीर्वाद मांगा। अमित शाह करीब 2 तक मंदिर में रहे, फिर बाहर निकले। इस दौरान जय श्री राम, मोदी योगी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद के नारे भी लगे। बाहर निकलने पर केंद्रीय मंत्री ने हाथ उठाकर स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काशी विश्वनाथ धाम जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन अंतिम समय में कैंसिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 उन्हें तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करना था। इसकी वजह से वे काल भैरव मंदिर से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इसके पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मोती झील में भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मामूलगंज स्थित तुलसी उद्यान में भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, फिर पास के मोती झील के मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, देशभक्ति, परिश्रम की पराकाष्ठा और फैसले लेने की क्षमता के पीछे काशी का ही योगदान रहा है। 10 तक नरेंद्र मोदी के हर फैसले का यहां की जनता ने पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत किया। दो बार उन्हें प्रचंड बहुमत दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री जब भी आए तो काशी को कुछ न कुछ सौगात दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ता से लेकर सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं। टिफिन बैठकों में हर कार्यकर्ता की चिंता और विधानसभाओं के चुनाव में भी क्षेत्र के विधायकों की जीत के लिए सबसे ज़्यादा परिश्रम कर उन्होंने आदर्श सांसद का उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें 400 पार का लक्ष्य तय किया है। अब हर कार्यकर्ता को उन्हें बड़े अंतर से जिताकर संसद भेजने का संकल्प लेना है। आपके परिश्रम से ही सांसद बने हुए नरेंद्र मोदी जी ने अनेक प्रकार की स्थितियों का प्राप्ति किया है, मगर ये तो काशी है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव है और भैरव अष्टकम में कहा गया है कि काल भैरव की सिद्धि की मांग करते हैं तो 8 सिद्धियां अष्ट सिद्धि देते। मोदी जी कई बार काशी आए 10 में, हर बार बाबा का आशीर्वाद दिया और बाबा ने उनको कृपा कर देश के लिए 8 सिद्धियों का वरदान दिया। मोदी जी ने समग्र देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, जातिवाद से मुक्त किया है, परिवारवाद से मुक्त किया है, तुष्टिकरण से मुक्त किया है, लघुदा ग्रंथिहीन भावना से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्पीक मैगजीन के संस्थापक डॉक्टर किरण सेठ भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर हैं। युवाओं में भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से पूरे भारत में स्पीक मैके सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमंग यूथ के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ साइकिल यात्रा कर जन जन को जागरूक कर रहे हैं।
भ्रमण के इसी क्रम में गुरुवार उनकी एकल साइकिल यात्रा सुबह गाजीपुर से चलकर लगभग 10:45 बजे वाराणसी शहर में आशापुर पर पहुंचते ही बसंत कन्या महाविद्यालय एवं राजघाट बेसेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। उनके साइकिल पर तिरंगा झंडा के साथ मतदान अवश्य करें की तख्ती लगी थी। वहां चौराहे पर उन्होंने सभी से मतदान अवश्य करने की अपील की। तत्पश्चात पंचकोशी रोड कपिलधारा सराय मोहाना होते हुए आदिकेशव घाट के पास स्थित बसंत कन्या महाविद्यालय राजघाट पहुंचे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह एवं बेसेंट स्कूल के बच्चों सहित मेघना कश्यप, सुदेशना बनर्जी, डॉक्टर हनुमान गुप्ता ने तिलक के साथ माल्यार्पण एवं आरती कर उनका स्वागत किया। महाविद्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ ने बताया कि भारत की प्राचीन संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अब तक पूरे भारतवर्ष में 13,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी कर चुका हूँ। शास्त्रीय संगीत से एकाग्रता एवं धैर्यता बढ़ती है। हर रोज बच्चों को एकाग्रता के लिए प्राणायाम एवं योग के साथ शास्त्रीय संगीत को सीखना और सुनना चाहिए। कक्षा में बच्चों के नाम के साथ किसी राग से जोड़कर हाजिरी लेने की पहल होनी चाहिए, जिससे उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक जानकारी प्रैक्टिकल के रूप में होती रहे। विद्यार्थियों को अपने जीवन में महापुरुषों के आदर्श को अपनाना चाहिए। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रोज साइकिल चलाना अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं इतने सुंदर राजघाट स्टडी सेंटर में, बहुत अच्छी तरह हमें यहाँ देखभाल किया है। और हम साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि सबको अपना मतदान करना चाहिए, ये भी मैंने साइकिल पर लगाया हुआ है, तो आप लोग साइकिल भी देख सकते हैं यहाँ, जिसमें करीब 13,000 किलोमीटर मैंने किया है। श्रीनगर से आया हूँ मैं कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी से वापस घूमते 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 गुवाहाटी, गुवाहाटी से अब वापस जा रहा हूँ दिल्ली आपको मिलकर। तो आज पेड़ लगा के क्या संदेश देने का कार्य किए हैं आप? ये संदेश है कि भाई देखें, परिवहन का देखभाल करना चाहिए सबको। आजकल इतने पेड़ कट रहे हैं, हम थोड़े एक पेड़ भी डाल दें उसके बदले, तो ये है सब बच्चों को और सब लोग को कि इसका पेड़ लगाना तो बहुत ज़रूरी है, ये तो सब जानते हैं। साथ साथ मतदान के लिए भी, आप मतदान के लिए भी और साथ साथ बहुत साधारण जीवन भी, ये देखिए कितनी साधारण जीवन यहाँ लोग रह रहे हैं, ये महात्मा गांधी का उच्च विचार और साधारण जीवन भी। वाराणसी लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने पत्रकार वार्ता कर अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अजय राय ने गुरुवार को लोहराबी स्थित आवास पर अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने अपने घोषणा पत्र में बीजेपी के 10 वर्ष के शासनकाल को अन्याय काल का नाम दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल में जनता को सिर्फ बदहाली ही हाथ लगी है। साथ ही उन्होंने नारा दिया, मोदी जी के 10 साल जनता बेहाल। अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलता पर जितने आंकड़े दिखाए गए, जितना बोला जाए वह कम है, क्योंकि मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने का कार्य किया है। हद पार करती बेरोजगारी, अवसरों का अकाल, नोटबंदी, बिना व्यवस्था किए लॉकडाउन लगाना, सरकारी नौकरियों पर रोक, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, सभी सेक्टरों का निजीकरण करना, बढ़ते महिला अपराध, सीमा सुरक्षा पर विफल, देश के युवाओं के विकास के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं होने के कारण हमारी सबसे बड़ी ताकत युवा आज कमजोर हो रहा है। अजय राय ने कहा कि आस्था और संस्कृति के जीवंत शहर काशी की जनता से भी प्रधानमंत्री व स्थानीय सांसद नरेंद्र मोदी ने छलावा किया है। 2014 में जब तथाकथित गंगापुत्र बनकर नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किए थे, तो काशी वासियों की आंखों में एक उम्मीद जगी थी और वह उम्मीद थी कि काशी में विकास होगा, परंतु काशी में तो काशी की संस्कृति मिटाते हुए अन्याय किए गए। कि आपके जब यहां पर प्रधानमंत्री जी ने, यहां के सांसद ने इतना काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो इतने परेशान क्यों हो भाई? तब तक केवल नामांकन करो और चले जाओ, तो काशी के लोग फिर चुनाव जिताकर आपको भेज देंगे, सर्टिफिकेट चला जाएगा। आज इतनी परेशानी क्यों है? इतना माथे पर बल क्यों है? क्या परेशान हो? क्योंकि कार्यकर्ताओं को फोन कर रहे हो, आपका कार्यकर्ता फोन नहीं उठा रहा। भाजपा के लोग, अब जो बेचारे पुराने भाजपा के लोग हैं जिन्होंने जीवन खपा दिया, वो आज दुखी हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। कल के आए आए लोग जिनको कोई जानता नहीं था, वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। पुराने लोग जीवन बिता दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बेचारे आज भी दरी, चांदनी और कुर्सी बिछाने तक ही सीमित रह गए हैं। ये किस तरीके की भाजपा चल रही है? ये पूरी तरीके से कॉरपोरेट कल्चर वाली भाजपा आ गई।
गुरुवार को जनपद में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। जनपद में बृहस्पतिवार को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। गोष्ठी, रैली, शिविर, परिचर्चा इत्यादि गतिविधियों के जरिए जनपद वासियों को मलेरिया के बारे में जागरूक किया गया। इस क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण के नेतृत्व में जागरूकता रैली और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। मच्छरों का प्रकोप पहले सिर्फ बारिश के दौरान और बारिश के बाद दिखता था, जबकि अब 2 से 3 महीने छोड़ दीजिए तो पूरे साल ही उनका प्रकोप दिखता है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर मलेरिया रोकने के लिए फॉगिंग का कार्य पूरे साल चलेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वाधिक मच्छर वाले इलाकों को चिन्हित कर वहां प्रभावी रोकथाम व नियंत्रण के लिए उचित कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी दिवाकर वर्मा, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन राजेश कुमार, अजय राय, अनिल श्रीवास्तव, राजेश चंद्र, कृष्ण कुमार, विनोद कुमार, राजकुमार तथा सीफार संस्था की टीम मौजूद थी। गोष्ठी में ANM प्रशिक्षण केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO मौजूद रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। सच के स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरथीमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षक समूह शाखाएं, गड़वाघाट, रमना, वाराणसी, फोन नंबर 9554995413, वाराणसी, फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी, फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क, सोनभद्र, फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र, फोन नंबर 9554963194945 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र, फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best spread. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best spread. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best spread. RC Life, Sach ke saath. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में असाधारण प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक अंक हासिल कर उत्तर प्रदेश ने चैंपियन का खिताब हासिल किया। मेजबान यूपी की टीम यहां फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में असाधारण प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 159 अंक हासिल कर चैंपियन खिताब अपने नाम की। 153 अंक लेकर दिल्ली दूसरे और 143 अंकों के साथ हरियाणा की टीम तीसरे स्थान पर रही। गुरुवार को BHU के महाराजा विभूति नारायण सिंह इंडोर हॉल में चल रहे फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता के 50 किलोग्राम भार वर्ग में मध्य प्रदेश की माधुरी पटेल ने स्वर्ण पदक जीता। चंडीगढ़ की गुंजन को रजत एवं झारखंड की रिम्पा और यूपी की चंचल को कांस्य पदक मिला। उधर 53 किलोग्राम भार वर्ग में मध्य प्रदेश की शिवानी ने स्वर्ण जीता। हरियाणा की कृति को रजत, दिल्ली की शीतल और यूपी की जूली को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। 55 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की बबली को स्वर्ण, यूपी की मानसी को रजत व कर्नाटक की ऐश्वर्या एवं राजस्थान की दीक्षा को कांस्य पदक हासिल हुआ। वहीं 57 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली की नेहा ने स्वर्ण पदक पर अपना नाम लिखवाया। यूपी की साधना पाल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। राजस्थान की निशा व हरियाणा की शिल्पा को कांस्य पदक मिला। उधर 59 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की नीतिका को स्वर्ण, यूपी की पूजा यादव को रजत, महाराष्ट्र की आकांक्षा व दिल्ली की उन्नति राठौर को कांस्य पदक हासिल हुए।
62 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की रेंशी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेजबान यूपी की पूजा और महाराष्ट्र की सृष्टि को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में यूपी की फ्रीडम यादव ने स्वर्ण पदक पर अपना नाम लिखवाया। उन्होंने दिल्ली की पहलवान मंजू को कांटे के मुकाबले में परास्त कर स्वर्ण जीता। मंजू को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कर्नाटक की सुजाता और बिहार की जूही को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। 68 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की सारिका ने स्वर्ण, दिल्ली की सुमित्रा ने रजत एवं चंडीगढ़ की दीपिका और राजस्थान की माया ने कांस्य पदक जीता। 72 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली की सृष्टि ने गोल्ड जीता। महाराष्ट्र की रेशमा को रजत, गुजरात की सनोफर और राजस्थान की तनु को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। 76 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली की विपाशा ने स्वर्ण, राजस्थान की आकृति को रजत, पंजाब की जसप्रीत एवं मध्य प्रदेश की प्रांजल को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इस मौके पर वर्धा यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल, विधायक सुशील सिंह, बीएचयू के प्रोफेसर SBS राजू, प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह, प्रोफेसर राकेश सिंह, प्रोफेसर अर्चना सिंह, डॉक्टर संदीप राव, डॉक्टर अनुराग टंडन, सुरेश सिंह, प्रीति सिंह, डॉक्टर गीता राय, निधि सिंह, प्रियंका सिंह, JP शर्मा, राजीव सिंह रानू आदि मौजूद रहे। सायंकाल आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू एवं यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष करण भूषण सिंह ने विजेता पहलवानों को मेडल, ट्रॉफी व प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन प्रताप शंकर दुबे ने किया। जगतगुरु श्री बल्लभाचार्य प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री शुद्धाद्वैत जप यज्ञ समिति के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री शुद्धाद्वैत जप यज्ञ समिति वाराणसी के तत्वावधान में अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य महोत्सव तथा उसके अंतर्गत श्री शुद्धाद्वैत जप यज्ञ समिति वाराणसी का 73वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन सुनिश्चित किया गया। इस संदर्भ में प्रेसवार्ता कर बताया गया कि इस मांगलिक अनुष्ठान के प्रारंभ में श्री वल्लभ महाप्रभु जी का श्री कृष्ण भवन चौखंबा वाराणसी में समिति के अध्यक्ष गोस्वामी कल्याण राय जी की अध्यक्षता में विक्रम संवत 2081 चैत्र शुक्ल 9 अप्रैल 2024 से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जो 6 मई 2024 तक प्रभु कृपा से संपन्न होंगे। 4 मई को महाप्रभु जी के मुख्य प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर अपराह्न 4 बजे जतनवर स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से श्री महाप्रभु जी की शोभा यात्रा निकलेगी, जो भैरवनाथ, गोलघर, सोरा कुआं के मार्ग से होती हुई चौखंबा स्थित श्री मदन मोहन प्रभु की हवेली श्री वल्लभ जी का श्री कृष्ण भवन पहुँचेगी। तदनंतर सायंकाल 6 बजे से आचार्यों तथा विद्वानों के प्रवचन, बधाई कीर्तन एवं अन्य कार्यक्रम समाविष्ट किए गए हैं। श्रीमद् भागवत की 108 भागवत सत्ता रखी गई है और इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याणार्थी, सबको सबका कल्याण हो, सबको शांति प्राप्त हो और सबों को भगवत चरणारविंद में चित्त लगे, ऐसी प्रभु से आकांक्षा, इसी आकांक्षा से ये श्रीमद् भागवत सत्ता और ये आयोजन है, जो कि आचार्य चरण का प्राकट्य उत्सव का अपन हर साल प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसमें अपन को शोभा यात्रा 4 तारीख को वहाँ से रतनगढ़ स्थित आचार्य चरण के बैठक जी से निकलेगी और वो यहाँ गोला ये कटेरी बाजार और ये गोलघर होते हुए अपने यहाँ पर आकर के और सभा के रूप में पढ़ने को होती है, वो प्रतिवर्ष की भांति उसी प्रकार होगा। उसमें आप लोग सब सम्मिलित हों, जितने भी पुष्टि मार्ग वैष्णव हैं, सनातनी हैं, वो सभी इसमें एकत्रित होकर वल्लभा जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के इस प्राकट्य उत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं। 5 दिवसीय माँ शीतला के संगीत महोत्सव के 3रे दिन गायन, वादन और नृत्य की धार से माता का अभिषेक किया गया। दहा समेत घाट स्थित बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिनी संगीत समारोह की तिथि निशा बुधवार को माँ के भव्य श्रृंगार, पूजन और आरती से शुरू हुई। 3रे दिन संगीत समारोह की शुरुआत वाद्य वृंद से हुआ। डॉक्टर संदीप केवले ने तबला, डॉक्टर शनीश ग्यावली के बांसुरी, डॉक्टर आनंद मिश्रा के सितार एवं आदित्य के पखावज वादन किए। पंडित रविशंकर मिश्रा एवं डॉक्टर ममता टंडन ने युगल कथक किया। गीतकार कन्हैया दुबे, KD के संयोजन संचालन में लोक गायक डॉक्टर अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी, आस्था शुक्ला और लोक गायक अजय अजनबी ने हाजिरी लगाई। जौनपुर के कृष्णा प्रेमी अभिषेक, मयंक, पूजा मोदनवाल आदि कलाकारों ने भजन सुनाए। स्वागत पंडित अभिषेक पांडे, पंडित सतीश पांडे, पंडित अवशेष पांडे ने। Oh, 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 oh
27 व 28 अप्रैल को बीएचयू के केएन उड़ब्बा सभागार में वेंटिलेटर के सही प्रयोग के बारे में कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशिंद विश्वविद्यालय के निसंज्ञा तथा गहन चिकित्सा विभाग के द्वारा 27 और 28 अप्रैल 2024 को बीएचयू के प्रोफेसर केएन उड़ब्बा सभागार में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के उपचार में प्रयोग आने वाले वेंटिलेटर के सही प्रयोग के बारे में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में लगभग 130 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है, जिन्हें प्रथम दिवस वेंटिलेटर के प्रारंभिक उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा तथा दूसरे दिन विशेष रूप से बीमार मरीजों में वेंटिलेटर के इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संदर्भ में गुरुवार को बीएचयू के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेसवार्ता में विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामबदन सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला में देश के सम्मानित चिकित्सकों की एक टीम प्रशिक्षण देने के लिए बुलाई गई है, जिनमें प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित संस्था W4C के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र रुंगटा, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य तथा इंडोसेम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सागर गलवांकर विशेष रूप से शामिल हैं। कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर विक्रम गुप्ता ने बताया कि इस प्रशिक्षण में वेंटिलेटर के इस्तेमाल के सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने 27-28 को देश के कई जगहों से, पूरे देश से लोगों को बुलाया है पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए भी। इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन में पेशेंट किस कंडीशन में आया है, उसको कौन सी विधि की ज़रूरत है, किस तरह का मैकेनिकल वेंटिलेशन देना है हमको, उस पर अगर हम सही तरीके से उसको लगाएं। मान लीजिए एक पेशेंट आया जो बहुत तेज़ सांस ले रहा है, उसकी सांस को हमको कंट्रोल करना है या उसको असिस्ट करना है, तो हम अगर उसकी सांस को तेज़ ऑलरेडी सांस ले रहा है उसको असिस्ट करेंगे और तेज़ सांस लेने लगेगा तो उसको हमको कंट्रोल करना है। तो ये सब सारी, हर मरीज़ एक तरह का नहीं होता, हर मरीज़ जो है अलग अलग बीमारी लेकर के आता है। किस मरीज़ को कौन सी बीमारी है, उसमें कौन सी मशीन की विधि को अपनाना है, कौन सा वेंटिलेशन हमको प्रोवाइड करना है, उसको ये हम लोग पढ़ाएंगे। 28 अप्रैल को बनारस क्लब से महिला कार रैली का शुभारंभ होगा, जिसका फ्लैग ऑफ जिलाधिकारी करेंगे। बनारस क्लब के सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान बनारस क्लब के सचिव डॉक्टर एनपी सिंह व सीए अतुल सेठ कोषाध्यक्ष ने बताया कि 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे बनारस क्लब से विमेंस कार रैली का फ्लैग ऑफ करके जिलाधिकारी एस राजलिंगम इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं विशेष अतिथि मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल रहेंगे। रैली में लगभग 65 महिलाएं भाग लेंगी। सभी सहभागियों को एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें विभिन्न हिंट्स लिखे होंगे। उन्हीं हिंट्स के द्वारा सभी को सही रास्ता चुनकर रैली को पूरा करना होगा। जो गाड़ी सबसे कम समय में सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए वापस आएगी उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। इस रैली में विजेता एवं उपविजेता के अलावा भी लगभग 40 से अधिक विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार दिए जाएंगे। 28 अप्रैल रविवार के दिन प्रातः 8 बजे बनारस क्लब लिमिटेड और रोटरी क्लब रॉयल्स के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में वोटर जागरूकता के तहत, जो कि निर्वाचन आयोग का भी जो निर्देश है मतदाता जागरूकता के लिए कार्य करने का, तो हम लोग एक सामाजिक संस्था हैं, हम लोग की भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उसके तहत एक कार्यक्रम यहाँ पर कराया जा रहा है जो कि वीमेंस कार रैली के बारे में होगा। ये कार रैली बनारस क्लब के प्रांगण से शुरू होकर लगभग 10 किलोमीटर का पूरे शहर में चक्कर लगाकर, और ये सिर्फ रैली मात्र नहीं है, इसमें जो महिलाएं प्रतिभाग करेंगी उनको क्लूज दिए जाएंगे, उस क्लूज के द्वारा वो अपने स्थानों को खोजेंगी और खोजने के बाद ये क्लूज की संख्या, जैसा कि बताया अभी हमारे जो प्रायोजक लोगों के द्वारा, कि लगभग 15-16 क्लूज हो सकते हैं, उस क्लूज को इकट्ठा करके जब वो बनारस क्लब पहुँचेंगे उसका यहाँ पर पूरा विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार का यहाँ पे घोषणा होगी। साथ ही कई सारे हमारे पास कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं। प्रथम पुरस्कार नगद पुरस्कार 21,000 का, द्वितीय 15,000 का, तृतीय 11,000 का। इसके अलावा जो विभिन्न जो पुरस्कार होंगे, जैसे कि आकर्षक कार की साथ सजावट है, उसके अंदर जो नेविगेटर्स हैं या और भी जो भी चीज़ें हैं उसके अलग अलग कैटेगरीज बनी हैं, वो हमारा यहाँ निर्णायक मंडल उसको घोषित करेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।